की वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ एगलेस नान की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी एगलेस नान हम बनाएंगे, वो भी फ्राइंग पैन में। अगर आप चाहें तो तवे में भी बना सकते हैं। देख सकते हैं आप इसकी सॉफ्टनेस। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम अपने नान के लिए डो बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप मैदा। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑयल और मिक्स करेंगे। अब यहां पर मेरे पास है 1 कप वार्म दूध, हल्का गर्म दूध है ये, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और सॉफ्ट डो बना लेंगे। अगर आप चाहें तो पानी भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजें अब डो के फॉर्म में आ गए। 1 कप नीम गर्म दूध और 1/2 कप पानी मैंने यूज किया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से गूंदना है। 10 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। दस मिनट तक नान के डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप इसकी सॉफ्टनेस। जितना आप सॉफ्ट आटा गूंदेंगे नान हमारे उतने ही सॉफ्ट और फ्लफी होंगे। अब इसे कवर करेंगे क्लिंग से और राइज होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे तक भी आप इसे राइज होने के लिए रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद डो हमारा अच्छी तरह से राइज हो गया है। अब इसे पंच डाउन करेंगे। और इससे अब मैं पेड़े बना लूंगी। जिस भी साइज का आपने नान बनाना हो उस साइज के पेड़े बना ले। पेड़े यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम एक एक करके इनका नान बनाएंगे। बाकी के मैं कपड़े से कवर करके रखूंगी ताकि ड्राई ना हो। अब सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। आप इस तरह हाथ से प्रेस करके भी नान बना सकते हैं। अगर चाहें तो बेलन का यूज करके भी बेल सकते हैं। ये रेडी हो गया। रोटी से थोड़ा सा मोटा इसे हमें रखना है, पराठे जितना। अब छुरी की हेल्प से मैं इसके ऊपर डिजाइन बनाऊंगी। यहाँ पर मैं ये ब्रेड नाइफ यूज कर रही हूँ। आप प्लेन नाइफ, जो नॉर्मल हमारी छुरी होती है, वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे सेकेंगे। मैं इसे फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं। पैन को पहले मीडियम हीट पे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हीट मैंने लो कर दी है। अब हम अपने नान को सेकेंगे। बहुत ही लो हीट पे हमें इसे कुक करना है। जब एक साइड से हो जाएगा तो टर्न करेंगे। एक साइड से नान हमारा कुक हो गया, इसे टर्न करेंगे, दूसरे साइड से भी पका लेंगे। अब मैं इसके ऊपर ऑयल से ब्रश करूंगी। टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी ऑयल लगा लेंगे। सॉफ्ट और फ्लफी नान हमारा रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी के नान भी बना लूंगी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।